राम राम जी सबने, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है TUES यानी कि ट्यूसडे, मंगलवार का दिन है। और इस टाइम पे है ना 4:15 हो गए हैं, जिस टाइम पे मैंने अपना व्लॉग की जो शुरुआत कर दी है। दोपहर में तो नूर रहे है, वीडियो जाए पाछे बनावांगे, फिर काम करे पाछे नू हो जाएगी, थोड़ा बहुत खाट में भी लेट जावा, रेस्ट कर लेवा। तो उसके बाद मैं बस इबे उठी थी, मैं नहाई धोई हूँ अपने इब, और सोचूं कि के काम करूँ मैं। बाकी है ना, इब रसोई में थोड़ी खाली करने की सोच रही हूँ, थोड़ी सफाई सी करने की सोच रही हूँ रसोई की। इसमें जो फ्रिज है ना, इब किम में भी काम को नहीं आंदा फ्रिज। ना ही दूध रख दे मम्मी, ना ही कोई सब्जी वगैरह रख दे, खाली नुकान उधर है। तो अभी मैं उसने साफ करके ना स्टोर रूम में धर दूंगी, और रसोई खुली खुली भी हो जाएगी। यानी कि मैं ना रसोई का लुक है ना जो वो चेंज कर दूंगी। और रसोई की सफाई करने से पहले मैंने स्टोर की करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टोर में जगह बनानी पड़ेगी, जगह है नहीं अच्छे से। वैसे कर दी थी स्टोर रूम की सफाई, लेकिन है ना थोड़ी सी सेटिंग सी करूंगी मैं, जो कर मैंने ठीक लगेगा ना नू कर दूंगी, बस फ्रीज आ जावे। और जाटा में कोई काम भी कोनी आवे फ्रीज, इबे यूज नहीं कर दे मामे तो आगे तो इब जाडे बढ़ दे जाएंगे, आगे तो के यूज करांगे। और वैसे मैं सोच रही हूँ एक दिन तो मैंने आज तो इन्हें कर दूंगी रसोई के स्टोर की, फिर तड़का उसके बाद मैं सोचूं कि है ना जो बेड है ना इसकी भी साफ सफाई करूँ। इसने ना मैं बाहर काट दूंगी जहाँ पे वो खाट लग रही है, मतलब गैलरी सी मैं रख देवांगी इसने, और काफी अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे मैं मतलब मेज वगैरह कुर्सी वगैरह रख दूंगी। और इसमें ना ब्रह की दिक्कत है नहीं, इसमें चूही बढ़ जावे हैं। और इसमें मैंने ना कंबल रख रखे हैं एक दो, तो वो निकालने हैं मैंने, कदे मुझसे मैं काट कूट दे मैं जाता है। बस इसमें ना मैं बर्तन से जचा दूंगी उनका, तो मुसी के उड़का भरेगी कमड़ा का, तो उड़के भर भर पैट देगी जाता है, बर्तन से जचा दूंगी उसमें तो। और बाकी मेरा बहुत गना काम रह रहा है, बहुत गना, और आसूं बिल्कुल भी कोनी मेरी, थोड़ी ही भी कोनी, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। घर नु सुथरा सा भी कोनी लगता ना, और इबे तो मेरे कपड़े भी पड़े हैं, कपड़े तो कई हैं, ये चादर है जो कर दो तीन चादर है ना, ये कई दिन हो गए धोए, तो ये भी धोनी पड़ेंगी मने। और चादर तो पहले लड़ाई दंड बो करने मने धरनी पड़ेगी, फिर अगला दिन छेतनी पड़ेगी जब जाकर उनका मैल उतरेगा। बाकी मैल तो चादर हम इतना होंदा कोनी, क्योंकि मम्मी बड़े बड़े हो गए ना घर में, कोई छोटा बालक होंदा ना तो फिर तो खंडाई बंडाई रखदा, तो इसी करके ने चादर तो बस एक के दो कुत्त के लागे बतेरी इनके। और अभी अमित जी आए थे, मैंने थोड़ी बहुत क्लिप निकाली है, वह मैं आगे दिखा दूंगा आपने। एक लड़की ने लेके आए थे, मतलब बालक सी है वह, 1.5 साल की बतावन थी अमित जी है। जहाँ पे दुकान है ना हमारी, मतलब हमारे पास में जो पहले अमित की जी के साथ में पहले जो काम करा कर दे उनकी भांजी है, तो हमारी भी भांजी हुई, तो वह आ रही थी, मतलब बहुत क्यूट सी है। घर वाले तो नुको है बहुत रोया कर यार ना, तो वह दुकान पर रोई, अमित जी के पास में कभी भी को नहीं रोंदी। अरे यहाँ पे लेके आए थे नो अनजान लोग, ना देख ना डरती ना रोंदी। इभी यहाँ पे आ रही थी ना तो जमानू हंसी खुशी खेला थे, तो अमित जी के लेने बालक बहुत तोड़े गुल मिल जाए, नुए बड़ा जावा है तो जुमानू सारे चपट जावांगे अमित जी के, अमित जी का लगाव जो है वो हो जाए सारे बालका ने। तो भी ये मैं ना लग जाऊं अपना काम करनी, फिर मैं वार हो जाएगी। भाई ने भी खुआ दे, चिजिया भाई ने भी खुआई है डब्बा एक लै कर रहे हैं देखो है सुहा दे ओ पिक दिया ना ठीक है ना भाई ला के जिन्हें ना बजा ले सुनो जिन्हें नहीं रहा है बस हो गया भाई तो चीज खा ले तू चीज खा ले बेटा दंग दंग ले जाइए मेनू कर दे ई ई तेरे नहीं खाएगा ये तो ई वो चीज खावा मेरे को स्टोर रूम का हाल तो ठीक हो रहा है, लेकिन है ना आड़े एक दिक्कत है, जैसे मैं सांप सपोलिया लकड़ा है नहीं, मैंने कोई बचानिया नहीं झाड़े भी हो सो कपड़ की ना सच्चे में कोई बचाने नहीं है, क्योंकि पापा जी भी है ना वहां पर चले गए, सिसर गांव में चले गए, मतलब हमारे कुनबे में किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सपायर हो गया हमारे कुनबे में। तो सुबेरे काका जी का फोन आ गया था, तो पापा जी तो सुबह सुबह ही चले गए थे, सुबह सुबह की चाय पी थी बस उसे टाइम पर चले गए थे। और
ईब जब मैं सामान ठाऊंगी कि मैं अरुण तो लट्टू भी कोनी चना ना कर लू तो बाकी देखी जाएगी मेरा तो जहरीली चीज तो के पावेगी आड़े बाकी देखूंगी उसने जोड़ सी पावेगी तो भी जुट जामा काम के स्टोर रूम की सफाई तो जमा ओखी होनी है तो अभी स्टोर रूम में जो डंगा पंगा है वो सारा निकाल दूंगी मैं और है ना धूल इतनी उड़ थी जमा छीक मर 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 जमा बुरा हाल हो गया था मेरा तो पहले जुखाम हो रहा था फिर और भी जुखाम हो गया और यो है ना बग्गी का टैया था यो टैया देख के ना मेरा है नी पुराना टाइम याद आ गया था जब बालक थे मामे पता उस टाइम पर क्या करता जो साइकिल के टैये नहीं हुए हैं वो जो साइकिल खराब हो जाता तो मैं टैये काट लिया कर दे मामे और फिर वो गाड़ा मको दूर तो ही चलाते जाते डंडी मार दे टैया का वो भी टेम नहीं आ रहे था तो अभी जो स्टोर रूम है अपने जचा दिए हैं मैंने कूलर वूलर जाली पाली सारी जचा दी है और अभी जो झाड़ू है वो निकाल दूंगी। हाँ, पूरा मैं 20 मिनट लगे रही हूँ और 20 मिनट में मेरी मेहनत रंग लाई है। पहले थोड़ी सी जगह थी देखो जगह ही जगह कर दी मैंने स्टोर रूम में वो सारा पीछे सामान आ गया देखो आप सबने मैं दिखाऊंगी और नो कोने में ठूसे है जमा जगह जगह पर धरिया है एक जो जाली है जाली खोलने खातर थोड़ी जगह चाहिएगी और देखो ये जगह रही ये हमने जाली रख दी है और यह उ जगह छोड़ दी है और यह जो गेहूं की टंकी है वो है ये मटके वगैरह है वो रख दिए है कूलर रख दिया है और ईब उरली साइड में आ जाओगा फ्रिज जान की बस थोड़ी सी जगह रह जाओगी। ऊपर तो कुछ भी सामान को नहीं रखा ऊपर तो बस हमारा दो पेटियां रखी है माँ वाली और हमारी और बाकी सारा सामान जो है नी वो मतलब जिनका वो घर है ना उनका दरिया है। ऊपर कमरा ऊपर वाला कमरा तो नहीं लगा ला हमने ले को नहीं रखा सिर्फ एक यू कमरा है स्टोर रूम है बेचारा स्टोर रूम का दम घुटन पर तू ले रहा हूँ वहाँ मामे भी अरे बेचारा की मैं नहीं कहना चुपचाप नु का दे है और आने दो सामान और आने दो। तो स्टोर रूम की सफाई मेरी बन गई है और उसके बाद में जितने भी सारे बर्तन थे ना जूठे वो इकट्ठे कर लिए थे मैंने बर्तन तो बिल्कुल थोड़े से थे बस आज तो है ना फ्रिज की साफ सफाई करी थी मैंने सारी तो फ्रिज में ही है जो डंडे लगे हुए हैं ट्रे वगैरह ये काट लाई हूँ मैं सारी ये फ्रिज ने भी जमा चमका कन है इसने भी दर देवांगे स्टोर में क्योंकि भी इसका ना कि में भी यूज को नहीं होता ये ऊँ है ना रसोई में भीड़ मचा रहा था तो आज तुमने यो भी निकाल दिया रसोई में तय और फ्रिज काट देने में इतनी तंग बहुत घनी तंग हुई है ना इसी बार बार अड़ जाओ थी कई बार ट्राई करी मैंने लेकिन फिर समझ में आए गई अकल आए गई थी मैं कहा पहले ढक्कन खोल लूँ इसका फिर आराम तो निकल जाऊगा नहीं तो ये अड़े था तो बस अभी जो है फ्रिज है वो काट दिया है इसने मैं पूंज दूंगी पहले तो मतलब जो जूना हुआ है ना उसके साथ में उतारे थे मैंने इसमें ना पानी टपकिया कर दा तो दाग से पड़ गए थे तो वो उतारूंगी पहले तो मैं और फिर जो कपड़ा है ना गीला कपड़ा के साथ में पूंज दिया था उसके बाद में सूखा कपड़ा के साथ में पूंज दिया था तो अंदर की जो सफाई है फ्रिज की वह होगी है और बाहर भी इतना कुछ लाग को नहीं रहा था बस थोड़ा धूल मिट्टी उड़ दिए रहा है झाड़ू निकाल देनी तो बस वाह जम जावे तो बस वाह पूंज दी थी और सारा काम बना था नहीं जब इतना सुकून आया था मैंने इतना सुकून आया था कि चलो यो काम तो मेरा निमड़िया आज। तो अभी इस टाइम पे कितने बज गए देखो घड़ा में देख कर बताऊंगी 6:35 हाँ 6:35 हो गई है और जो खाना है वो मैंने गैस पर धर दिया है दलिया बनावा गैस और कुछ खाने का जी को नहीं करता बिल्कुल भी और साफ सफाई भी है ना मेरी अधिकतर हो गई जो फ्रिज है ना मैंने काट दिया बड़ी औखा काट है मैंने आपने वीडियो में देखा होगा ना कितने प्रांत फंस जावा था कितने प्रांत फंस जावा था ये मैंने बस मैंने पूंछ पांच के साफ करके ने पूरा धर दिया है अमित जी आऊंगे ना कल सुबह फिर धरवा दूंगी स्टोर में मेरे पे क्लिप तो धरा कौन जा क्योंकि मेरे में इतना अंगा को नहीं जाता है और पूरे की सफाई को नहीं हुई मेरी यो सारा नुए डंगा मंगा खंडा वंडा पड़िया है पूरा है नहीं देखो अपना दिखाऊ मैं देखो यहाँ पे है ना जगह है जैसे ये भी तो वहां पे है ना मैं अपना जो मंदिर है ना वो जो चा लूंगी अब जैसे एक ही कमरा है वहां पे मंदिर है अब स्टोर रूम में तो कितने जगह है कोनी धरण की और सारा नुए डंगा मंगा खंडा रहा है उसमें जोत लगाने का सिस्टम ऐसा कुछ है कोनी तो ये मैं रसोई में धर लूंगी यार ये बिल्कुल अलग जगह है
तो ठीक भी रहेगा मंदिर खातर। और मैंने क्या कर देखा है कहीं नो भी कह देवे कि रसोई में जो है मंदिर है नी वो नहीं होना चाहिए, तो मैंने खुद देखा है वहां पे। रोहतक गई थी ना मैं तब, तो दीदी ने है ना रसोई में ही यहाँ पे नीचे मंदिर बना रखा था, तो मैं भी रसोई में बना लूंगी। और यहाँ की नुए रिक्ता विकता है जो सारा खंड रहा है यू है ना, मैं सारा कल ने साफ करूंगी। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी और मैं इकली भी हूं ना, तो हूँ भी भीतर पड़ जाए थोड़ा डर सा लग गया है जाता है इकली ना, मैंने बहुत घना डर लगा कर अगर मैं बहुत 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 भूखते घना। अरे भी है ना मैं रसोई में तो हूँ लेकिन कमरा क्या ना मैंने गेट बंद कर रखे है, गेट बंद करके साकड़ मार रखी है, इतना डर लग रहा है। बाकी अमित जी आने हो रहे हैं, आज तो जल्दी ही आ जाओगे, मैंने बोल दिया था कि मखा जल्दी आ जाइयो मेरे को कोने रुक आ जावे इकली पे, नहीं तो मखा मैं दुकाने पे बैठ ही आऊंगी। तो बस ये आए जाओगे अमित जी भी, पंद्रह मिनट में गे 5-10 मिनट में आ जाएंगे। और तबीयत भी मेरी पहले तो सुधार है लेकिन थोड़ा बहुत है भी, जुकाम सा है, गला में भी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने इतने एक बात बताई थी कि मैंने वो फ्रिज का डैग कूकर है और ये फोन में लाग रहे थे और वो भी क्रिकेट में जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। क्रिकेट स्कोर देखने लाग रहे थे, जो भी देखे थे मैंने नहीं बेरा के देखे थे क्रिकेट का है। मैंने सारी प्रक्रिया बता दी, मैंने नू फ्रिज का डैर इमेन पर पूछू हूँ कुकर का डैर बताओ। इन्हू तो सुन गई है, फ्रीज काट लिया, टेढ़ा करके काट लिया है, बांगा करके काट लिया, मुद्दा करके काट लिया, फूक मार के भी काट लिया है, बाकी आपकी सारी गलत है। अरे मैंने बताई है, बताओ कुकर काटा तू बता दे। मैंने तो बताई है नहीं, फोन में ध्यान क्यों था, ये बटका बता, फोन में ध्यान क्यों था। मैंने बात तो सुनी थी यार तेरी, कड़े सुनी है, सुनी होंगी तो बेरा होंगे कुकर का डैग बताओ ना। चलो ठीक है, गलती हो है, गलती होगी, कान पकड़ के बोल लो बताओ कुकर का डैग इसका ये ढक्कन खोला फ्रिज का, पहले ढक्कन का डैग फिर फ्रिज का डैग। हाँ सुन लिया करो, इंसान के बात कर रहा है के नहीं, फोन सारी उम्र को नहीं रहा है, फोन सारी उम्र को मेरा मतलब है कि फोन सारी उम्र खाने ना कौन दे, फ्रिज देगा मैं देऊंगी, बनाऊ तो मैं ही ना खान पीन तो, और के फोन बनाऊंगा तू बनाऊ, तो मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना ध्यान से, फोन जरूरी नहीं है ठीक है, युवा फोन में लग रही है यो तो मैं नहीं, यो मैं एक बात पाएगी थी आपकी कि आप के करो हो, मैंने इग्नोर करा है। तो चलो जी फिर अब इस व्लॉग का कर दे माड़े एंड, हमारी थोड़ी बहुत जो खट्टी मिट्टी नोक जोक है वह आपने कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। अगर आप सबने आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर जाइयो, कमेंट कर जाइयो, शेयर कर जाइयो और चैनल ने भी जरूर तभी जरूर सब्सक्राइब कर जाइयो सारे के सारे, ठीक है, ओके बाय बाय, टाटा टेक केयर।